Hello everyone, I'm Sonika Rumba, your SST teacher. And today I'm here to teach you SST of class 3. So, aaj hum class 3 ka SST dekhenge. So, today our topic is Indian Physical and Political Division. So, aaj ka hamara topic jo hai wo hai Indian Physical and Political Division. Theek hai? So ये जो हमारा टॉपिक जो है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, यानी कि हम यहाँ पर इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे, किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ इंडिया के ही बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन. क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है ना, एंड इसे रूल करने के लिए एक छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया है ना, दैट इज फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन. फिजिकल जो है हम लोग ने डिवाइड नहीं किया है, ह्यूमन बींग्स ने डिवाइड नहीं किया है उसको रूल करने के लिए. एंड फिजिकल डिवीजन जो है आपसे आप है वो, है ना. एंड इंडिया में कितने प्रकार के फिजिकल डिवीजन है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल डिवीजन जो है इंडिया को इतना बड़ा देश होने के वजह से किस तरीके से रूल करना है ना, इजी रूल करने के लिए ये जो पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो किया गया है. यानी इंडिया को स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज एंड कैपिटल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है. और ये सिर्फ आज के दिन में ही नहीं, जब पहले राजा एंड महाराजा हुआ करते थे और अपने इतना बड़ा देश को, है ना, अपने एक बहुत बड़ा साम्राज्य को रूल करने के लिए बहुत परेशानी होता था. तो पहले के टाइम में जो राजा एंड महाराजा जो थे वो लोग अपने जो किंगडम को एक प्रोविंसेस में डिवाइड किया करते थे, एंड उसके बाद वहाँ पर सूबेदार इस तरीके से रखा गया था, है ना, वो लोग ऐसे करते थे. पर आज के दिन में हमारे इंडिया में राजा एंड महाराजा तो नहीं है, है ना. तो आज के दिन में हमारा जो इंडिया जो है क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, एंड फिर भी बहुत बड़ा है. तो उस तरह उसको किस तरह से रूल करना है इजीली, तो इसलिए इंडिया जो है स्टेट्स एंड कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटोरीज में डिवाइडेड किया गया है. और कितना है ना, नाम क्या क्या है, वो हम इस क्लास में देखेंगे, ठीक है. एंड फिजिकल जो है, फिजिकल फीचर्स क्या है, उसका लैंड स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे. तो आज के टॉपिक जो है इंडिया फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, इसमें आज हम देखेंगे नंबर वन में इंडिया फिजिकल डिवीजन. तो इंडिया का फिजिकल डिवीजन क्या है, ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल डिवीजन वो देखेंगे. एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज. तो हमारे इंडिया का नेबरिंग यानी पड़ोसी, ठीक है, पड़ोस में जो कंट्री जो है, पड़ोसी कंट्रीज है वो क्या क्या है, है ना. एंड इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन देखेंगे, ठीक है, इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन, यानी कि इंडिया एक बहुत बड़ा सा देश है, एंड उसे रूल करने के लिए कई छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया गया है, स्टेट्स एंड कैपिटल्स, है ना, तो वो क्या क्या है एंड कितने प्रकार के है वो हम देखेंगे. एंड आफ्टर दैट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज हम देखेंगे, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. दो, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा सा देश है ना, एंड इंडिया जब हम देखते हैं तो इंडिया जो है एक पेनिनसुला कंट्री है. पेनिनसुला कंट्री का मतलब है थ्री साइड कवर्ड विथ वाटर बॉडीज, ठीक है. क्योंकि जब हम नीचे देखते हैं साधन भाग में, हम यहाँ पर अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलता है. यानी कि इस मैप में ये जो ब्लू कलर का जो है वो हमारा वाटर बॉडीज है, ठीक है. एंड ओशन जो है हमारा इंडिया के तीनों तरफ हमें इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज भी है ना, और ये छोटे छोटे भाग में डिवाइडेड हुआ है वो क्या है वो हम अब जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तब हम वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के फिजिकल डिविजन के बारे में, ठीक है. यानी कि सबसे पहले हम इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, इसके फिजिकल फीचर्स, है ना. तो इंडिया का कितना फिजिकल डिवीजन है, इंडिया हैज़ सिक्स मेन फिजिकल डिवीजन्स. तो इंडिया के पास सिक्स फिजिकल डिवीजन्स है, ठीक है. एंड सिक्स फिजिकल डिवीजन्स क्या क्या है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, है ना, नॉर्दर्न माउंटेन्स है. और उसके बाद है द नॉर्दर्न प्लेन्स, एंड नंबर थ्री में है द इंडियन डेजर्ट, नंबर फोर में है द साउदर्न प्लेटू, नंबर फाइव में है द कोस्टल प्लेन्स, एंड नंबर सिक्स में है आइलैंड. यानी कि हमारा फिजिकल डिवीजन कितना है इंडिया का, सिक्स, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना, ये है हमारे ब्लू कलर का जो है वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स,
और ये जो ग्रीन कलर का जो है ये है हमारा कोस्टल रीजन ना, और ये हमारा डेकन प्लेटू और इंडियन डेजर्ट, और ये सब छोड़ के हमारा जो ये जो पेनिनसुला रीजन जो हमने अभी आप लोग को बताया, यहाँ पर जो ओशंस है इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल है ना, तो यहाँ पर क्या है एक छोटा छोटा सा हमें इस तरीके से लैंड स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है इनका नाम जो है रखा गया है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या है कि वो भी हम देखेंगे, यानी कि हमारे इस तरीके दोनों तरफ इस तरीके से लैंड है, ठीक है, आइलैंड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, फिजिकल सिक्स फिजिकल फीचर्स में हम सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स देखेंगे। सो नॉर्दर्न माउंटेन जो है हमारे इंडिया का नॉर्दर्न भाग में है, ठीक है, नॉर्दर्न भाग यानी कि ये हमारा इंडिया का मैप है ना, तो इंडिया के मैप में ये हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा नॉर्थ एंड ये है हमारा साउथ, यानी कि हमने आप लोग को डिरेक्शन बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये जो वर्ड जो है नॉर्दर्न माउंटेन, तो नॉर्दर्न माउंटेन नाम सुनते आप लोग पता चल ही जाएगा कि नॉर्दर्न माउंटेन्स कौन से भाग में है, ईस्टर्न भाग, वेस्टर्न भाग, साउदर्न भाग में नहीं है, नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है नॉर्दर्न भाग में है, यानी कि यहाँ पर ये जो एरिया जो है ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि यहाँ पर हमें माउंटेन्स जो है देखने को मिलेगा, ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या है वो देखेंगे। सो नॉर्दर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस, द हिमालयस आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या है ये बहुत बड़ा बड़ा से हिमालयन रेंजेस जो है हमें देखने को मिलेगा है ना, और उसके बाद हाइएस्ट माउंटेन रेंज जो है वर्ल्ड का जैसे कि माउंट एवरेस्ट है ना एंड गॉर्डन ऑस्टिन एंड कंचनजंगा जो है हमें सिर्फ नॉर्दर्न माउंटेन्स में ही हमें देखने को मिलेगा, एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है हमेशा क्या है व्हाइट कलर का जो स्नो जो होता है उसे ढका हुआ होता है हमेशा, ठीक है, एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स में ही हमारा जो जो है माउंट एवरेस्ट जो है हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड वो भी हमें सिर्फ नॉर्दर्न माउंटेन्स में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सो नॉर्दर्न माउंटेन जो है हमारे नॉर्दर्न भाग में है, इंडिया के जो नॉर्दर्न भाग में है, और जितना भी और ये छोड़ के जो हमारे इंडिया में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर जो है रिवर गंगा है ना, और उसके बाद रिवर ब्रह्मपुत्र जो है सब इस नॉर्दर्न माउंटेन्स में, ये जो हिमालय जो है वहीं से ही राइज होके आता है, ठीक है, और उसके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा दैट इज यमुना, ये सब भी, ठीक है, तो ये रहा हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स। सो आफ्टर द नॉर्दर्न माउंटेन्स वी विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो ये रहा ऊपर का, और ठीक नॉर्दर्न माउंटेन्स के नीचे वाला भाग जो है वो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो माउंटेन जो है माउंटेन खत्म होते होते हमें क्या देखने मिला है प्लेन्स, ठीक है, इस तरीके यानी कि यहाँ पर माउंटेन है बहुत बड़ा वैसे माउंटेन्स, और माउंटेन्स खत्म होते होते यहाँ पर हमें प्लेन्स जो है वो देखने को मिलता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारा सेकेंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया है, नंबर वन नॉर्दर्न माउंटेन्स हमने कर लिया एंड नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारा सेकेंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, ऑक्यूपाई अ ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पार्ट जो है ऑक्यूपाई किया है नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड लाई बिटवीन द हिमालयस एंड द साउदर्न प्लेटू, तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हिमालयस और साउदर्न प्लेटू के बीच में है, ठीक है, जैसे कि इसके नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो यहाँ पर है नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, तो ऊपर तो है हमारे हिमालय जो हमने अभी आप लोग को बताया कि नॉर्द ये जो माउंट एवरेस्ट जो है वो सब हिमालयस में है ना, तो हिमालयस और नीचे जो है डेकन रीजन है, ठीक है, साउथ इंडिया यानी कि डेकन रीजन है, तो डेकन रीजन और हिमालय जो है उनके बीच में है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, और उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत पॉपुलेटेड है क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में ही हमारा इंपॉर्टेंट रिवर जो इंडिया का रिवर गंगा जो है यहीं पर ही फ्लो होता है, ठीक है, एंड जहाँ पर भी रिवर होते हैं वहाँ का सोयल जो है वो बहुत फर्टाइल होता है,
और ऊपर से इतना ऊपर से हिमालय से होके आया है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से होके आया है। तो रिवर गंगा के पास बहुत सारा सैंड एंड क्ले एंड सिल्ट है ना। तो जब प्लेन्स में आता है, इतना रिवर्स ऊपर से फ्लो करते हुए, तो क्या होता है, प्लेन्स में इजिली मूव नहीं होता है। अगर हिली रीजन है तो ऐसा रहेगा लैंडस्लाइड, है ना, लैंड का जो फीचर्स ऐसा रहेगा, तो इजिली मूव होगा। वो प्लेन्स में तो सीधा होने के वजह से क्या होगा, वहीं पर ही डिपॉजिट होगा। जितना भी रिवर्स जो है हिमालय से, जो फर्टाइल सोयल जो सब लेके आया है, तो कहाँ पर डिपॉजिट होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स में। एंड नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बहुत फर्टाइल है, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमन बींग्स जो है ना, ह्यूमन बींग्स जहाँ पर प्रॉफिटेबल होता है, जहाँ पर फसल अच्छा होता है, वहीं पर तो रहना पसंद करेगा ना। तो इसी तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बहुत फर्टाइल होने के वजह से बहुत पॉपुलेटेड भी है, ठीक है। एंड नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ऑल्सो नोन एज दी गैंजेटिक प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को हम गैंजेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिवर गंगा है जो बहुत फर्टाइल है ना। रिवर गंगा की वजह से बहुत फर्टाइल सोयल हमें देखने को मिला। सो इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स इज ऑल्सो नोन एज दी गैंजेटिक प्लेन्स। ओके, सो आफ्टर द नॉर्दर्न प्लेन्स, आवर थर्ड फिजिकल डिविजन दैट इज इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट के बारे में हम बात करेंगे। डेजर्ट का मतलब क्या है? ओके, फर्स्ट जो है वो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजर्ट? एक रेगिस्तान है डेजर्ट, जहाँ पर सिर्फ मिट्टी मिट्टी सैंडी सैंड होता है, रेगिस्तान है ना। तो इंडिया में डेजर्ट भी है, विच इज वन ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का डेजर्ट कहाँ पर है? ये वाला भाग में है डेजर्ट, है ना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पर जब हम एज अ होल इंडिया के मैप देखते हैं, डेजर्ट जो है इस एरिया में है, डेजर्ट। नॉर्दर्न माउंटेन्स यहाँ पर है, नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पर है, और इंडियन डेजर्ट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी बुलाया जाता है, ठीक है। सो इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट क्या है? सेम है। इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। और कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है हमारा इंडियन डेजर्ट। यानी कि हमने अभी आप लोग को डायरेक्शन बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और बीच में हमारा डेजर्ट। तो यहाँ पर है नॉर्थ और यहाँ पर है वेस्ट, तो बीच में पड़ा ना, इसलिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि ये हमारा मेजर डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, मेजर डायरेक्शन है। और उसके बाद सब डायरेक्शन जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है ना। तो इसलिए ये जो डेजर्ट जो है नॉर्थ वेस्टर्न भाग में इंडिया का, ठीक है। एंड द होल ऑफ राजस्थान सीन फ्रंटियर रन्स थ्रू इट। तो जब भी हम डेजर्ट के, इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करते हैं, तो एज अ होल ऑफ राजस्थान और सीन फ्रंटियर जो है वो सब हमारे इंडियन डेजर्ट के अंडर ही आता है, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्ड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया। तो अब हम देखेंगे फोर्थ फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया। That is Southern Plateau, ठीक है। फोर्थ डिविजन Southern Plateau, it covers a large part of a country. यानी कि Southern Plateau जो है वो इंडिया के हमें जितने भी भाग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो एरिया जो है वो कवर करने वाला जो है वो Southern Plateau ही है, ठीक है। Southern Plateau, अभी हमने देखा Northern Plains, Northern Plains जो है Northern भाग में कवर अप करता है बहुत ज्यादा मात्रा में एरिया। पर Southern प्लेटू जो है वो एज अ होल इंडिया में ही सबसे ज्यादा मात्रा में एरिया जो है वो कवर करता है, ठीक है। एंड इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, और ये जो हमारा साधन प्लेटू जो है वो ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है।
सदर्न प्लेटू जो है वो हमें ट्रायंगुलर शेप का है एंड इट इज ब्रॉड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड नैरोज डाउन एज वी गो साउथवर्ड। तो हमारा सदर्न प्लेटू कहाँ पर है वो देखेंगे। सदर्न प्लेटू यहाँ पर है, ये साउथ इंडिया जो है ना, ये हमारा सदर्न प्लेटू। तो सदर्न प्लेटू जो आप लोग देख सकते हैं, सदर्न भाग जो है इंडिया के नॉर्दर्न भाग से ज्यादा है ना। तो एज अ होल सदर्न प्लेटू जो है इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में एरिया जो है वो कवर किया है, ठीक है। और उसके बाद सदर्न प्लेटू जो है ऊपर जो है बहुत चौड़ाई में बहुत ज्यादा है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। और जब हम देखते हैं इसका शेप, आप भी देख सकते, समवट ट्रायंगुलर शेप का है सदर्न प्लेटू, है ना, ट्रायंगुलर शेप का है। और ऊपर तो इसका चौड़ाई जो है बहुत ज्यादा है, पर जब हम नीचे देखते हैं इसका चौड़ाई जो है बहुत छोटा है ना। तो सदर्न प्लेटू क्या है, समवट ट्रायंगुलर शेप में है एंड नॉर्दर्न भाग यानी कि नॉर्दर्न भाग यानी ऊपर वाले भाग जो है वहां पर उनका जो चौड़ाई जो है बहुत बड़ा है। एंड जब हम नीचे होके आएंगे तो इनका चौड़ाई जो है बहुत कम है, ठीक है। सो सदर्न प्लेटू इज समवट ट्रायंगुलर इन शेप ऑल्सो, ओके। इट इज ब्रॉड, ब्रॉड यानी कि बहुत बड़ा है ना, एंड नैरोज टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड नैरोज डाउन एज वी गो साउथवर्ड, यानी ऊपर जो है इसका चौड़ाई जो है बहुत बड़ा है। एंड जब हम नीचे देखते आएंगे तो इनका चौड़ाई जो है बहुत छोटा है, ठीक है। एंड ये जो सदर्न प्लेटू जो है आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर है सदर्न प्लेटू, ग्रीन कलर का जो है यही है हमारा सदर्न प्लेटू। सो आफ्टर द सदर्न प्लेटू वी विल मूव टुवर्ड्स आवर अनदर फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, दैट इज कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन जो है वो यहाँ पर है, जो येलो कलर का जो दिया गया है आप लोग को, है ना, येलो कलर का, यही है हमारा कोस्टल प्लेन्स, यानी कि यहाँ पर ओशंस जो है, जब भी हम देखते हैं यहाँ पर ओशंस, हमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ओशंस के किनारे जितना भी लैंड मासेस जो है ये येलो कलर का, ये सब है हमारा कोस्ट, ठीक है, इंडिया का कोस्टल रीजन। तो इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, वेस्टर्न साइड वेस्टर्न कोस्ट कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न साइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, लेंथ 6000 किलोमीटर। तो इंडिया का जो कोस्टल रीजन जो है यहाँ से स्प्रेड होते 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 इतना लंबा होके यहाँ पर खत्म हुआ है, है ना, बहुत लंबा है इंडिया का कोस्टल प्लेन, नियरली 6000 किलोमीटर से यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक बात है, ये जो हमारा इंडिया का जो कोस्टल रीजन जो है वो दो भाग में डिवाइड हुआ है, ठीक है, एक रहा ईस्टर्न पोर्शन और एक रहा वेस्टर्न पोर्शन। तो ईस्टर्न पोर्शन में ये जितना भी कोस्टल रीजन जो है उसे हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, और वेस्टर्न भाग में जितना भी पोर्शन जो है इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, आर ऑल क्लियर। यानी कि ईस्टर्न भाग जो है उसे हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड वेस्टर्न भाग जो है उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और बीच में है हमारा सदर्न प्लेटू। तो बीच में है हमारा सदर्न प्लेटू, तो सदर्न प्लेटू ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड करता है। क्या कौन डिवाइड कर रहा है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, सदर्न प्लेटू, ओके। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सदर्न प्लेटू की वजह से डिवाइड हुआ है, पर एट द एंड कन्याकुमारी में दोनों मीट होता है, कन्याकुमारी में। ठीक है, सदर्न प्लेटू के हिसाब से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवाइड हुआ है, पर एट द एंड कहाँ पर मीट होता है दोनों, कन्याकुमारी, ठीक है। एंड लेंथ जो है नियरली 6000 किलोमीटर, यानी कि इंडिया का जो कोस्टल रीजन जो है वो बहुत लंबा है, ठीक है। सो आफ्टर द कोस्टल प्लेन्स अब हम देखेंगे द आइलैंड, जो हमारा 6th फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे आइलैंड का मीनिंग क्या है, ठीक है। पेनिनसुला का मीनिंग हमने आप लोग बता दिया कि थ्री साइड्स कवर्ड विथ वाटर बॉडीज, और हम इंडिया जो है वो पेनिनसुला कंट्री है क्योंकि यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है,
जिसकी यहाँ पर अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है ना। तो यहाँ पर है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, और उसके बाद है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हमारा डेजर्ट, और ये हमारा सदर्न प्लेटू, और यहाँ पर जो ये एरिया जो है वो है हमारा कोस्टल रीजन। ठीक है, तो हमारा ये जो आइलैंड जो है वो क्या है। ठीक है, पेंसिला मतलब थ्री साइड कवर विथ वाटर बॉडीज, आइलैंड का मतलब है ऑल साइड कवर्ड विथ वाटर बॉडीज, यानी कि एक टापू जैसा, यानी कि चारों तरफ से पानी पानी से घिरा हुआ है, सही हम बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, एंड देयर आर मेनी आइलैंड अलोंग द टू कोस्टल प्लेन्स, और यहाँ पर जो टू कोस्टल प्लेन्स का मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमें बहुत सारा आइलैंड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसमें से द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो यहाँ पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, तो अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, एंड लक्षद्वीप जो है वो अरबियन सी में है, यहाँ पर है हमारा लक्षद्वीप। हमारा इंडिया का आइलैंड क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड, जो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, एंड आफ्टर दैट लक्षद्वीप जो अरबियन सी में है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या है, ऑल साइड कवर्ड विथ वाटर बॉडीज, तो ये रहा हमारा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हाउ मेनी फिजिकल डिविजन्स आर देयर इन इंडिया, सिक्स, सिक्स फिजिकल डिविजन्स इंडिया में। ठीक है, एंड सिक्स फिजिकल डिविजन्स हमारा नंबर वन में है नॉर्दर्न, माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, साधन प्लेटू, फाइव में हमारा कोस्टल रीजन एरिया, और नंबर सिक्स में है हमारा आइलैंड्स। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया। तो माउंटेन यानी कि एक यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा हाई माउंटेन रेंजेस जो है हमें नॉर्दर्न माउंटेन्स में देखने को मिलता है, एंड प्लेन्स यानी कि सीधा, यानी कि इनके जो फिजिकल फीचर के बारे में हम बात करते हैं, फिजिकल फीचर्स के बारे में, तो हमें ये पता चल रहा है कि माउंटेन्स ऐसा होता है, यानी कि नोखीला ऐसा है ना, जो हमेशा स्नो या बर्फ से भरा हुआ होता है हमेशा, तो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। और जब नॉर्दर्न प्लेन्स खत्म होता है तो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स खत्म होता है तो हमारा आता है प्लेन्स, यानी कि सीधा नॉर्दर्न प्लेन्स, और जब नॉर्दर्न प्लेन्स खत्म होता है तो हमारा आता है इंडियन डेजर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा सैंड से घिरा हुआ है ना, नॉर्थ इंडियन डेजर्ट, और उसके बाद आता है हमारा प्लेटू। ठीक है, प्लेटू का मतलब क्या है, प्लेटू का मतलब जो है चारों तरफ क्या है, लो एरिया, लो लेवल लैंड, और बीच में ही एक लैंड है, इस तरीके से इसे बोलते हैं प्लेटू। सराउंडिंग एरिया से इसका जो हाइट जो है वो बड़ा है, सदर्न प्लेटू, और उसके बाद जो है हमारा कोस्टल एरिया, एंड कोस्टल एरिया जो है जो नदी के किनारे, ओशंस के किनारे, और उसके बाद है हमारा आइलैंड। आइलैंड का मतलब है थ्री साइड्स कवर्ड विद वाटर बॉडीज, यानी कि बीच में एक जमीन है और चारों तरफ से पानी ही पानी है। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जब हम वेस्ट में देखते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज क्या है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान।
पाकिस्तान. क्या है नेबरिंग कंट्रीज? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. एंड आफ्टर दैट जब हम नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्थ में है हमारा चाइना एंड नेपाल. नॉर्थ में क्या है? चाइना यहाँ पर है और नेपाल जो है यहाँ पर, जो ब्लू कलर का जो है वो है हमारा नेपाल. ठीक है. एंड आफ्टर दैट ईस्ट में क्या है हमारा? ईस्ट में है हमारा बांग्लादेश. ठीक है. ईस्ट में क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार. बांग्लादेश यहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो है ये है हमारा बांग्लादेश, और म्यांमार जो है यहाँ पिंक कलर का जो है वो है हमारा म्यांमार. और उसके बाद है साउथ में क्या है? श्रीलंका एंड मालदीव्स. तो साउथ में क्या है? मालदीव्स जो है वो यहाँ पर है और श्रीलंका जो है वो यहाँ पर है. तो ये है हमारा नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. ठीक है. नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ठीक है. नॉर्थ में क्या है? चाइना एंड नेपाल. ईस्ट में हमारा बांग्लादेश एंड म्यांमार. एंड साउथ में है हमारा मालदीव्स एंड श्रीलंका. ठीक है. सो दिस आर आवर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज कलेक्टिवली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो हमें इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज है. एंड कुल मिला के ये जो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज जो है सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है वही बोलते हैं हम. ठीक है. And central government, the president, the prime minister and the council of minister. यानी कि हमने यहाँ पर central government दिया है. क्यों? क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा सा देश है ना, और इसको रूल करने के लिए छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड हुआ है, स्टेट्स एंड कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटोरीज में डिवाइड हुआ है. पर इसे छोड़ के हमारे इंडिया का गवर्नमेंट जो है अच्छी तरीके से रूल कर पाए, तो इसीलिए यही सोच के गवर्नमेंट जो है वो भी दो भाग में बनाया गया है. एक रहा स्टेट गवर्नमेंट एंड दूसरा है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. तो सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे. द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो हम इंडिया गवर्नमेंट जो है वो दो भाग में डिवाइड हुआ है. एक रहा सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर जो है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट में ही होता है. तो अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. तो स्टेट गवर्नर में हमें गवर्नर्स एंड जो मुख्य जो चीफ मिनिस्टर जो होता है एंड अदर मिनिस्टर्स जो होता है वो हमें स्टेट गवर्नमेंट में देखने को मिलता है. तो स्टेट में सिर्फ एक राज्य वाइज, अगर आपका राज्य बंगाल है तो सिर्फ वहाँ का जो मिनिस्टर जो है सिर्फ बंगाल को ही अच्छी तरीके से देखेगा. अगर आपका मिनिस्टर बिहार के है तो वही का बिहार का जो मिनिस्टर जो है वही बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा. ठीक है. सो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट? हमारा प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है. एंड हमारा स्टेट गवर्नमेंट में द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स जो है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट में ही रहता है. ठीक है. तो ये रहा हमारा पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. सो नाउ अब हम देखेंगे स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स. स्टेट्स एंड देयर कैपिटल, यानी कि हमने आप लोग को बार बार बता दिया है कि ये जो हमारा इंडिया का जो स्टेट्स एंड कैपिटल्स जो है वो कहीं भाग में डिवाइडेड हुआ है. एंड हमने अभी बात किया कि 20 भागों में डिवाइडेड हुआ है, 20 देयर आर 20 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज, है ना. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट. नंबर वन में है हमारा आंध्र प्रदेश. क्या है आंध्र प्रदेश? द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज अमरावती. तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? अमरावती. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर. नंबर थ्री, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आसाम? दैट इज दिसपुर. कैपिटल ऑफ आसाम, दिसपुर. नंबर फोर, बिहार, पटना. बिहार का क्या है? पटना. छत्तीसगढ़ है हमारा रायपुर. छत्तीसगढ़ क्या है? रायपुर. गोवा जो है वो है हमारा पानाजी. गोवा क्या है? पानाजी.
सेरा कैपिटल। नंबर सेवन है गुजरात, गुजरात का है हमारा गांधीनगर। नंबर एट है हरियाणा, हरियाणा का है चंडीगढ़। नंबर नाइन हिमाचल प्रदेश, एंड हिमाचल प्रदेश का है शिमला। नंबर टेन झारखंड, एंड झारखंड का है रांची। नंबर इलेवन कर्नाटका, एंड कर्नाटका का है बेंगलुरु। नंबर ट्वेल्व केरला, एंड केरला का है थिरुवनंतपुरम। बहुत लंबा है ना, तो क्या करें, पढ़ना ही पड़ेगा। कैपिटल है केरला का, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरला, थिरुवनंतपुरम। नंबर थर्टीन मध्य प्रदेश, एंड मीनिंग ऑफ एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोलपुर, भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है, भोपाल। नंबर 14 में है हमारा महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। नंबर 15 मणिपुर है, एंड मणिपुर का कैपिटल जो है हमारा इम्फाल। नंबर 16 मेघालय, एंड मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। नंबर 17 मिजोरम, एंड मिजोरम का कैपिटल है आइजवाल। नंबर 18 नागालैंड, एंड द मीनिंग ऑफ एंड द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा। नंबर 19 ओडिशा, एंड ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर। 20 में हमारा पंजाब, एंड पंजाब कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, सो नाउ उसके बाद है हमारा 21 में राजस्थान, एंड राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। नंबर 22 सिक्किम, सिक्किम का है गैंगटॉक। 23 तमिलनाडु, तमिलनाडु का है चेन्नई। 24 तेलंगाना, तेलंगाना का है हैदराबाद। 25 त्रिपुरा, त्रिपुरा का है अगरतला। नंबर 26 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है लखनऊ। 27 झारखंड, एंड झारखंड का है देहरादून। एंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। यानी कि मैंने आप लोग को पूरा 28 स्टेट्स एंड कैपिटल्स का नाम आपको बताया है, तो आप लोग का ड्यूटी यही रहेगा कि ये 28 स्टेट्स एंड कैपिटल्स जो है आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, सो आफ्टर दिस स्टेट्स एंड कैपिटल्स अब हम देखेंगे यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर कैपिटल्स। तो यूनियन टेरिटोरी कितना है, 8 है यूनियन टेरिटोरीज, है ना। नंबर 1 में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। नंबर 2 चंडीगढ़, चंडीगढ़ का है हमारा, चंडीगढ़ ही है चंडीगढ़ का। ठीक है, नंबर 3 दादरा एंड नगर हवेली, एंड दामन एंड दीव। दादरा एंड नगर हवेली, एंड दामन एंड दीव का क्या है कैपिटल, दामन। ठीक है, सो नंबर 4 दिल्ली, एंड द कैपिटल ऑफ दिल्ली इज दिल्ली। नंबर 5 जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर का दो है, विंटर्स में है हमारा जम्मू, एंड समर में है हमारा श्रीनगर। ठीक है, आर यू क्लियर। जम्मू एंड कश्मीर का दो है, विंटर में है जम्मू, एंड समर में है श्रीनगर। नंबर 6 लद्दाख, लद्दाख का है ले। ठीक है, लद्दाख का कैपिटल क्या है, ले। नंबर 7 लक्षद्वीप, एंड द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कावरत्ती। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉरी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, कावरत्ती। एंड नंबर 8 इज पुडुचेरी, एंड द कैपिटल ऑफ पुडुचेरी इज पुडुचेरी। तो पहले तो हम पुडुचेरी को पौंडीचेरी कहा करते थे, पर अभी पौंडीचेरी नहीं है, क्या है, पुडुचेरी है। ठीक है, तो पुडुचेरी का रहेगा हमारा कैपिटल, पुडुचेरी रहेगा। ठीक है, सो ये है हमारा 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज, है ना। तो ये जितना भी हमने 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज देखा है, उसमें से क्या है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से, एंड कहीं पर बहुत कम पॉपुलेशन से। ये क्यों, क्योंकि इंडिया का फिजिकल फीचर्स के वजह से, क्योंकि इंडिया का जो लैंड स्ट्रक्चर जो है, प्लेन्स, प्लाटूस, डेजर्ट, कोस्टल रीजन है ना, उनके हिसाब से कहीं जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से, एंड कहीं जगह पर बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप सब देख सकते हो, नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, क्योंकि वहाँ का सोयल जो है वो बहुत फर्टाइल है इसलिए, एंड डेजर्ट में ना तो पानी मिलता है ना तो खाना मिलता है, तो डेजर्ट में तो और भी कम है ना, इस तरीके से होता है। एंड इसी प्रकार से हमारा लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया क्या है, लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट क्या है, राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट क्या है हमारा, गोवा। नंबर 3 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, यानी कि बहुत पॉपुलर, यानी कि बहुत आबादी जो है ना, आबादी होने वाला स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश।
सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, और उसके बाद लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, और बहुत कम आबादी वाला हमारा स्टेट क्या है, वो है अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि इंडिया में जो ये पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इंडिया के फिजिकल फीचर्स से ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि किसी को डेजर्ट में रहना पसंद नहीं होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पानी भी नहीं मिलता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत फर्टाइल है, ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी, तो ऑब्वियसली सब के सब नॉर्दर्न प्लेन्स में रहना पसंद करेंगे ना। तो यही है लैंड स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से इंडिया का जो ये इंडिया के ये जो पॉपुलेशन एंड ऑल्सो स्टेट्स एंड कैपिटल्स जो है, इसका साइज जो है वो अलग अलग है, ठीक है। सो नाउ तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि इंडिया में, इंडिया का जब हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, वो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ पर हमारा नॉर्दर्न हिमालयस, उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद है डेजर्ट, उसके बाद डेकन, और उसके बाद है कोस्टल रीजन, और है हमारा आइलैंड, ठीक है। और इंडिया में कितना स्टेट है, इंडिया का कितना स्टेट है, इंडिया के पास है 28 स्टेट्स। और क्या क्या स्टेट्स है वो हमने आपको बता दिया है, आपका काम क्या है, सिर्फ पढ़ना है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज, ठीक है। एंड इंडिया का गवर्नमेंट जो है वो दो भाग में डिवाइड हुआ है, दो और टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक रहा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ओके सो नाउ आर यू ऑल क्लियर, अब क्लियर हो गए होंगे आपके पास, आपके आप सब लोग है ना, फिजिकल डिवीजन कितना है 6, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक दैट इज इंडिया फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। ओके सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक दैट इज इंडिया फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। सो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क स्टेट एंड कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटोरी जो है वो याद करना है आप सबको, बस इतना ही रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। ओके देन सो थैंक यू स्टूडेंट्स।